मेवाड़ संघ मुंबई के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के दहिसर के लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में भव्य तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से इस अवसर पर शामिल लोगों में मेवाड़ संघ मुंबई के सचेतक हरक लाल लोढ़ा, मुख्य चुनाव अधिकारी बीबी लोढ़ा और अन्य पदाधिकारियों ने लोगों को शपथ दिलवाई। वहीं मेवाड़ संघ मुंबई के अध्यक्ष भैरू लाल लोढ़ा, महामंत्री प्रकाश नाहर, कोषाध्यक्ष फूलचंद नाहर सहित परामर्श समिति, न्याय विधि चुनाव समिति, प्रोफेशनल फोरम सहित मेवाड़ संघ की अन्य सहायक समितियों सहित तकरीबन 200 पदाधिकारियों ने भी शपथ ग्रहण की। तो ही इस कार्यक्रम में मेवाड़ संघ मुंबई के पूर्व अध्यक्ष निमिचंद धाकर ने चेयर एक्सचेंज प्रक्रिया के माध्यम से नवनिर्वाचित अध्यक्ष भैरू लाल लोढ़ा को बैज लगाकर अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा। तो इस अवसर पर स्थानीय कन्या मंडल सहित अन्य कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पेश कर कार्यक्रम को यादगार और ऐतिहासिक बनाया। इस अवसर पर मेवाड़ संघ मुंबई के पदाधिकारियों सहित मेवाड़ की विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों की खास मौजूदगी रही। शपथ ग्रहण के बाद संघ के प्रमुख पदाधिकारियों ने मौरा स्थान से खास बातचीत की। इस पर देखिए हमारी ये खास कवरेज। सर जी, जो आपने क्वेश्चन किया उसका जवाब देना, तो सबसे पहले तो मैं गुरु की कृपा, गुरु अम्बे सोभाग्य मदन कोमल की कृपा मेरे ऊपर परिवार पर हुई और मुझ पर हुई कि आज मैं लंबे समय से करीब 18 साल से इस मेवाड़ संघ में सेवाएं देते आ रहा हूँ, उसी का फल मुझे मिला। और हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान भेरूलाल साहब लोढ़ा ने मुझे इस पद के लायक समझा और मुझे इस कोषाध्यक्ष पद की 2024 से 27 की कार्यकाल की जिम्मेदारी दी। मैं भेरूलाल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपको ये कहना चाहता हूँ, जो मुझे पद मिला है उस पद के प्रति मैं पूरा न्याय करूँगा। और ये पद है पैसे का लेन देन वाला पद, इसमें मैं पूरी पारदर्शिता के साथ काम करूँगा, इन्हीं भावनाओं के साथ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। देखो, सबसे पहले तो मैं मेरी पूरी कार्यकारिणी को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और जो आज जो कार्यक्रम हुआ, हमारा मेवाड़ संघ के लिए हम कुछ विजन लेके आए, उस विजन के ऊपर हम उसके ऊपर काम को शुरू भी हो चुका है हमारा। और जो जैसे हमारी सेवा है, मानव सेवा है, स्वास्थ्य समिति है, वयावस्थ समिति है, अपना अल्पसंख्यक समिति है, और जो अपना जो ज्ञान प्रकाश समिति है, इस समिति के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अच्छा और काम हो सके, इसके ऊपर हम लोग को विशेष पूरा ध्यान देंगे। और हमारा विजन है और विजन के ऊपर हमने काम भी चालू किया है। जैसे हमारा भाईंदर में एक डायलिसिस सेंटर जो 6 साल पहले अलर्ट हुआ था, किसी कारणवश चालू नहीं हो पाया, हम इसके लिए भी पूरी कोशिश चालू कर दी। म्यूनसिपालिटी में जाके आए, कमिश्नर से मिल के आए, बहुत ही जल्दी वो जगह हमारे हाथ में आ जाएगी और बहुत जल्दी वहाँ पे डायलिसिस सेंटर चालू हो जाएगा। दूसरा, हमारा एक वेस्टर्न लाइन हार्बर लाइन के अंदर एक मेवाड़ भवन की एक हम जो सपने लेकर चल रहे हैं, उसी कार्य के ऊपर हमने कार्य शुरू किया। हम बाउंडू में भी जगह देखी है, थाना में भी जाके आए, बस गुरुदेव के आशीर्वाद के आप सबसे सहयोग से कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी वो काम भी पूरा होए। इसी मंगल भावना के साथ जय जनन जय। सबसे पहले जय अम्बे सौभाग्य मदन कोमल रमेश हर्षित को वंदन, इनके आशीर्वाद से। और जो पिछले 3 साल के कार्यकाल में निमिचंद जी साहब धाकड़, महावीर जी साहब तातेर, लक्ष्मीलाल जी साहब वड़ालवे ने जो मुझ पर बहुत विश्वास करके जो पद दिया था व्यवस्था मंत्री का, उस पर मैंने अच्छा काम किया, तो मुझे इस बार भैरूलाल जी साहब लोढ़ा ने महामंत्री नियुक्त किया है। मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगा कि मैं अपनी जो भी ऊर्जा है, शक्ति है, वो 100% लगाऊंगा और इस कार्यकाल को भव्यति भव्य बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, हमारा सबसे बड़ा विज़न है कि हम सबको समन्वय से साथ में चलें। आज हमारे पास 906 प्रतिनिधि है, हमने सबको साथ में लिया है, हमने कोई भी ग्रुपबाजी नहीं की है कि वो हमारा नहीं है, कि अभी हमारा नहीं रहा, अभी सब हमारे हैं और हम सबके हैं। तो हमने सबसे पहले इस कमेटी में सभी को लिया है। दूसरे जो हमारे विज़न है, सबसे पहले हमने समितियां बनाई हैं, अल्पसंख्यक की समिति हमने बना दी है आज। उसके बाद हमारा डायलिसिस सेंटर शुरुआत करने का प्रोग्राम है, वो भी बहुत ही शीघ्र पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमारा सेंट्रल में मेवाड़ भवन बनाने का बहुत बड़ा सपना लेकर चल रहे हैं और हम आशा करते हैं कि गुरुदेव की आशीर्वाद से वो सपना पूरा होगा। इसके लिए हम जी जान लगा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। भैरूलाल जी साहब, हम अभी कुछ दिन पहले जगह भी देख के आए थे, हमारी कुछ मीटिंगें भी चल रही है। और भैरूलाल जी साहब के बारे में एक बात कहना चाहूँगा, वास्तव में वो कम बोलते हैं परंतु पूरे अर्जुन की तरह लगे हुए हैं, मछली की आँख के ऊपर उनका पूरा है कि हमको ये पूरा ही करना है, जो भी हमने दिए हैं हमारे वादे पूरे करने हैं, ये निश्चित पूरे किए जाएंगे।